आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवरात व्रत या फिर एकादशी व्रत में खाने वाली चिप्स बनाने जा रही हूँ। आप इन्हें ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं बिना व्रत के। तो इसे बनाने के लिए मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम को फुल किया है। अब लिए हैं आलू। आलू को मैंने पहले ही छील कर रख लिया है और इसे चिप्स कटर मशीन में कट करूंगी। इसे कट करते समय आप पानी को पहले से ही रख लें और चिप्स को इसी में डुबोते रहें ताकि आपकी चिप्स काली ना पड़े। तो इसी तरह से मैं सभी चिप्स कट करके रख लूँगी। अब ली है ये छेद वाली थाली और 3-4 बार इसे पानी में अच्छी तरह से धुल लूँगी। अब चिप्स को धुल कर रख लिया है। और प्लेट को हटाने के बाद आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब लिया है सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। तो नमक को मैंने इस कटोरी में निकाल कर रख लिया है और अब डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच सेंधा नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कट की हुई चिप्स। तो चिप्स को मैंने डाल दिया है, फ्लेम को मैंने फुल किया है और अब इसे एक बार चलाऊंगी ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे चलाने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढक दूंगी उबाल आने तक। अब एक थाली में रखी है एक कटोरी और उसके ऊपर से रखी है जाली वाली थाली चिप्स को निकालने के लिए। और अब प्लेट को हटाऊंगी। प्लेट को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के से बुलबुले दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इस तरह से मैं हल्के हाथों से चिप्स को नीचे से ऊपर करते हुए चलाऊंगी ताकि चिप्स बराबर से पकें। और अब मैंने इसे ढक दिया है कुछ देर के लिए। अब प्लेट को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी खौलने लगा है। तो एक बार चिप्स को फिर से चलाऊंगी और इस तरह से देखूंगी। अब आप देख सकते हैं कि चिप्स लगभग पक गई हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक चिप्स को पकाने से चिप्स टूट जाती हैं। तो इसी तरह से मैं इसे इस थाली में निकाल लूँगी। अब मैंने चिप्स को छेद वाली थाली में निकाल लिया है।
और इसी टाइम पर इसे धूप में डालूंगी सूखने के लिए। तो चिप्स को मैंने इस तरह से पहले ही फैला दिया है और कुछ चिप्स मैं इस तरह से फैलाऊंगी, आप देख सकते हैं। इस चिप्स को आप एकादशी में या फिर नवरात्र के व्रत में बनाकर खा सकते हैं और इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी चिप्स फैला दिए हैं और लगभग 2 दिन की अच्छी धूप में इन्हें सुखाऊंगी। अब 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये चिप्स सूख कर कुछ इस तरह की हुई हैं। अगर आप इन्हें ऐसे भी खाना चाहते हैं तो आप इसमें मैगी मसाला या फिर चाट मसाला डालकर भी इन्हें खा सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।